किरदार बहुत अच्छा किरदार है, मज़ेदार था फिल्म में काम करना. आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी कास्ट है हमारी, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि टीम अच्छी हो, कास्ट अच्छी हो. और सुधीर सर के साथ काम करना, आई थिंक जो भी मुंबई में आता है वो एक बार तो सोचता है कि मैं, और मैं ये एक्टर्स को टिप भी देती हूँ कि एक बार वो सुधीर मिश्रा के साथ काम कर लें तो जैसे राहुल बोलता है उनका ढक्कन खुल जाता है. तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए पूरा प्रोसेस, मैंने बहुत सीखा भी. और अभी वी आर एक्साइटेड टू शो द फिल्म. तो इनकी फिल्म में काफी डेप्थ होता है, डेप्थ के बारे में बताइए कि जो फिल्म होता है उसमें काफी डेप्थ होता है, इस फिल्म में कितना डेप्थ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत डीप एंड है ये तो. इट्स नॉट कोई भी फिल्म इनका बहुत, मतलब ये हॉलो नहीं था, बहुत डेप्थ होता है, बहुत मीनिंगफुल होता है, क्योंकि ये खुद हॉलो नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सेल आउट नहीं है, तो फिर फिल्म में डेप्थ होती ही है. जो सुधीर के बारे में एक चीज, बड़ा बहुत पहले जब सुधीर शुरू में जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत लोगों को बड़ी शिकायत होती थी इनसे, और ये शिकायत बड़ी लंबी चली है इनके साथ कि आपकी फिल्म में जो भी कैरेक्टर आता है आप उसे ज़िंदगी में घुस जाते हैं. और ये बड़े बड़े समय तक हिंदी फिल्मों में ये रहा है कि भाई साहब एक ही कैरेक्टर की ज़िंदगी में घुसी और बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो खाली पोस्टर की तरह दिखाई पड़ते रहे और उनकी ज़िंदगी में मत जाइए. सुधीर इज़ वन ऑफ द रेयर एंड फर्स्ट फिल्म मेकर्स हु गॉट इन टू ईच कैरेक्टर. जैसे कि इनकी एक फिल्म है कैलकटा मेल, वो कैलकटा मेल में एक शूट आउट सीन है, वो शूट आउट सीन में एक एक्टर खाली शूट आउट के लिए आता है, लेकिन सुधीर शॉट इट इन सच अ वे कि उसमें उसकी कहानी पता लगती है कि जो शूट आउट करने आया था ही वॉज एक्चुअली गेटिंग मैरिड और अपनी शादी से वोट के आया है. तो इस तरह की चीज़ें सुधीर बहुत करते थे. शुरू में इनके लिए, इनको बड़ी उसके लिए उलाने दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, लेकिन नाउ व्हेन यू सी सुधीर्स फिल्म्स एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड दैट ही वर्क्स इन लेयर्स ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ ईच एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज व्हाई हिज फिल्म्स आर डीपर एज यू आर सेइंग कि दैट दे आर वेरी डीप एंड दे आर सो. उसका एक एहसास होता है पूरेपन का, एक पूरी दुनिया का एहसास होता है. दो है रस होते हैं अलग अलग किस्म के. आप कोई भी फिल्म को, कोई हक नहीं है किसी को बोर करने का, है ना. तो दिलचस्प तो होनी चाहिए, अंदाजे बयां जो है वो एक कहानी सुनाने का, नहीं तो आप कहानीकार ही नहीं हुए, तो वो एस्पेक्ट तो होता है. लेकिन सिर्फ कि घर दिमाग जो है घर पे छोड़ के आओ, तो ये आदत अगर लग जाएगी तो मेरा ऑडियंस से कहना है फिर जब वोट देने जाओगे तो भी छोड़ के आओगे. वो आदत नहीं लगाओ घर, दिमाग साथ में रखो और कभी कभी हल्की फुल्की फिल्म भी इंजॉय करो. दिलीप सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या किरदार है इस फिल्म को लेके आप. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सुधीर को तकरीबन 35 साल से जानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में. वो जो प्रश्न किया था आपने वो गहराई का, वो है ही राइटर, मतलब शुरुआत सुधीर की हुई थी एज ए राइटर. तो राइटर के होने के नाते ये जो बारीकियाँ हर कैरेक्टर की बारीकियाँ वो भर के आती हैं और वो इस फिल्म में भी सबको नज़र आएगा. मेरा रोल इसमें है कि एक, मतलब पॉलिटिक्स में या किसी के परिवार में या जहाँ भी जाइए, एक हमेशा एक कोई रिश्तेदार या एक आदमी ऐसा होता है जो सीन्स के पीछे, जो ग्रीन रूम में बैठ के, जो स्टेज पे उनकी डोर उनके हाथ में होती है, जो लोगों को, अगर कोई चुन्नी लाल के आसपास है तो ये है. अगर कोई है जो चुन्नी लाल जैसा किरदार है नहीं देव की जिंदगी में, लेकिन अगर कहीं चुन्नी लाल है इस फिल्म में तो दिलीप दायल.